नमस्कार, इनफ्यूज्ड बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2020 में बॉलीवुड के सिंघम और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बीच होने वाला है भारी टकराव। बॉलीवुड के दो महारथी आपस में भिड़ेंगे साल 2020 में दिवाली के शुभ अवसर पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन साल 2020 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके आ रहे हैं, जिस मूवी का नाम है मैदान किस ऑफ टुडे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो एक खेल के आधार पर फिल्म है, फिल्म की स्टोरी है। और इस फिल्म में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन एक होनहार कोच की भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों, बात की जाए खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्म के बारे में, जो कि साल 2020 में दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज की जाएगी, जिस फिल्म का नाम है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, एक एक्शन पैक ड्रामा मूवी लेके आ रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, जिस मूवी का नाम है पृथ्वीराज चौहान। और इस फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे। दोस्तों, बात की जाए दोनों फिल्मों के बारे में, दोनों स्टार के बारे में, तो दोनों स्टार बॉलीवुड के एक्शन स्टार माने जाते हैं। एक्शन स्टंट सीन दोनों स्टार करने में काफी सक्षम है। और दोनों के फिल्मों के बारे में बात की जाए तो दोनों फिल्में अलग अलग फिल्म की स्टोरी है। और जो कि जैसा कि पृथ्वीराज में पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी कुमार, तो वहीं एक होनहार कोच की भूमिका में नजर आएंगे बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही दिलचस्प होने वाली है कि साल 2020 में दिवाली के शुभ अवसर पर दो महारथी एक साथ टकराएंगे बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, अब ऐसे में सस्पेंस ये बना हुआ कि साल 2020 में दिवाली के शुभ अवसर पर जो फिल्में रिलीज की जाएंगी खिलाड़ी कुमार और सिंघम की, तो उसमें से अब ये देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म सुपरहिट होती है, ब्लॉकबस्टर हिट होती है, दोनों स्टार में कौन से स्टार की फिल्म को ज्यादा पसंद किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भारी क्लैश होने वाला है दोनों फिल्मों में। वैसे दोस्तों, आप है कितना एक्साइटेड इस दोनों फिल्मों के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आप है कितना एक्साइटेड, अब क्या कहना चाहते हैं दोनों फिल्मों के बारे में, रिलीज डेट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि बॉक्स ऑफिस पर किसकी जीत होगी, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर साल 2020 में जो दिवाली के शुभ अवसर पर जो फिल्में रिलीज की जा रही हैं मैदान और पृथ्वीराज चौहान, दोनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट होगी और कितना ज्यादा कमाई कर पाएगी कौन सी फिल्म, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर, और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं दोनों फिल्मों के बारे में। धन्यवाद।